एनजीओ ने ये इतना भव्य कार्यक्रम आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया है और जिसमें मुझे आमंत्रित किया है, मैं इसको अपना गौरव मानता हूँ। और एक पुरानी कहावत है, कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आज अपने मन पे हम काम कर लें और बुद्धि को तेज कर लें तो कोई भी बड़े से बड़ा हम काम कर सकते हैं। मुझे नवनिधि फाउंडेशन ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम अरेंज किया है। बच्चे, डिसेबल बच्चे इतनी अच्छे से, दिव्यांग बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत रहने वाली संस्था नवनिधि फाउंडेशन ने भी दिव्यांग बच्चों के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और डांस गानों के साथ जमकर मस्ती भी की। ये पूरा कार्यक्रम दिल्ली के ज्वालापुरी में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे स्थानीय थाने के SHO अनिल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता RR मिश्रा, पूर्व सदस्य CWC मजिस्ट्रेट सिमी गर्ग और सिद्धार्थ गोयल, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया और प्रोत्साहन भी की। वहीं संस्था के संरक्षक रुपेश कुमार ने बताया कि यह संस्था दिव्यांग बच्चों के लिए तत्पारित है और देखिए जब अतिथिगण मीडिया के सामने आए तो क्या कुछ कहा। दिव्यांग बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अगर ज़िंदगी में आगे बनना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें ये सोचना है कि ये नहीं सोचना हमारे पास क्या नहीं है, ये सोचना है क्या हमारे पास है। और एक पुरानी कहावत है, कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आज अपने मन पे हम काम कर लें और बुद्धि को तेज कर लें तो कोई भी बड़े से बड़ा हम काम कर सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ऑनलाइन कमाने के इतने साधन हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के इतने साधन हैं। अब डिपेंड नहीं है कि आप जो है सड़क पे जाके कोई हाथ पैर चला के ही आप पैसा कमा सकते हो या ज़िंदगी अपनी अच्छी बना सकते हो। आज अपनी बुद्धि पे और अपनी जबान पे सोच समझ के आप आज भी आज की डेट में यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नवनिधि फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे जो गलियों में जाके बच्चों को ढूंढते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे प्रतिभाशील बच्चों को खोज के यहाँ तक लाते हैं और एक उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं? मेरी इनसे कल ही बात हुई थी, इनके डायरेक्टर से। ये बहुत बढ़िया में काम कर रहे हैं, गलियों में जाके बच्चों को ढूंढ रहे हैं और उनके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। प्लस साथ में जो है गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो धीरे धीरे जो टाइप्स करे हैं उसके लिए भी इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आगे चल के मैं चाहूँगा कि अच्छे मेरे पास जो अच्छे कॉरपोरेट्स हैं, मैं वहाँ से इनको कुछ डोनेशंस कराऊँ या कुछ ऐसा कराऊँ जिससे ये संस्था जो है आगे बढ़े, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन संस्था है। इनकी टीम मेंबर्स बहुत बढ़िया हैं और बहुत फर्स्ट क्लास है। मुझे इनको देख के बहुत खुशी हुई है और मेरा जो सपोर्ट होगा वो भी मैं मैक्सिमम करूँगा इनके साथ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मुझे नवनिधि फाउंडेशन ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम अरेंज किया है। बच्चे, डिसेबल बच्चे इतनी अच्छे से, दिव्यांग बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। दिव्यांग बच्चों की बात करें तो आज सोसाइटी में आज भी उनको कहीं ना कहीं लोग एक अलग दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनको एक अलग शक्ति दी है, क्या कहेंगे आप? दिव्यांग का मतलब ही तो यही है ना कि उनके दिव्य अंग हैं, तो अगर एक शक्ति छीनी है तो ईश्वर ने उन्हें कोई एक शक्ति दी भी तो है। तो सभी, अगर समाज तो सब लोगों से मिलके बनता है ना, किसी एक से समाज नहीं बनता। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है कि हमें एक अलग दृष्टि से देखना चाहिए, बल्कि अगर जहाँ पे उनकी मदद करनी चाहिए तो वहाँ सबको आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। और नवनिधि फाउंडेशन इसमें बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है कि जो इन बच्चों की फ्री एजुकेशन दे रहा है, उनको एक अच्छा स्थान दे रहा है, उनको साथ में खाने का भी, वो भोजन वगैरह भी शायद प्रोवाइड करता है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि वो नवनिधि में रुपेश है, अभिषेक है और बाकी जो नवनिधि की टीम है जिन्होंने आगे बढ़ के इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छी बात। नवनिधि फाउंडेशन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये देश के भविष्य है और नवनिधि फाउंडेशन पर हम सब लोग, हिंदुस्तान के लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये विकलांग बच्चों के लिए काम कर रही है, असाध्य बच्चों के लिए काम कर रही है। अगर हिंदुस्तानवासी जितने भी लोग हैं अगर इन बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में ये बच्चे का भी एजुकेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा और इस साथ साथ में हिंदुस्तान फाउंडेशन इसके लिए जीवन भर कार्यरत रहेगी। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावल और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले।
मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।